हेलो एवरीवन, आई एम पिनल गरासिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 19 की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 112। हमारा क्वेश्चन क्या है? मेक क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें आंसर्स दिए गए हैं, उस आंसर को ध्यान में रखकर हमें उसके क्वेश्चन बनाने हैं। हम क्वेश्चन के आंसर तो हमेशा देते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। आंसर दिए गए हैं और क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन हमने तो सीखा है ना कि आंसर के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हु, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हेन, ये है क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड, ये है क्वेश्चन वर्ड। और कौन से है क्वेश्चन वर्ड? इज दिस, आर दिस, इज दैट, आर दोस, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। अब हम क्या सीखे थे, आपको याद है? WHO हु जो है वो किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तब यूज़ करेंगे। वॉट जो है WHAT वॉट, वो किसी चीज़ के बारे में पूछना है तब हम यूज़ करेंगे। वेयर WHERE वेयर जो है वो हम किसी प्लेस के बारे में पूछना चाहे तब हम यूज़ करेंगे वेयर। विच WHICH जो हम किसी चीज़, किसी जगह, किसी एनिमल के बारे में कुछ पूछना चाहे तब यूज़ करेंगे। When, 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 जो हम समय के बारे में कुछ पूछना चाहें तब हम यूज़ करेंगे when। फिर is this, is that, are these, are those, वो किसी को कुछ चीज़ जो है वो हमसे दूर है, अगर नज़दीक है तो उसके लिए हम is this, is that, are these, are those से questions बनाएंगे। आंसर दिए गए हैं इसलिए क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। क्या ध्यान में रखना है ये हमने पता लगा लिया। अब स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको ऑलरेडी बना के दिया गया है, जैसे नंबर वन पे है माय। नंबर वन पे है माय ब्रदर स्टेज इन अ होटल। होटल तो कोई जगह है ना, तो कोई जगह है, कोई स्पेसिफिक स्थान है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले थे, कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करने वाले थे? वेयर। तो यहाँ पे हमें बताया है वेयर डज योर ब्रदर स्टे, आपका ब्रदर कहाँ पे रहता है। नंबर टू, मिस्टर कुमार इज माय पियानो टीचर। अब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? किसी व्यक्ति के बारे में है, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पूछना हो तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है? WHO हु। कैसे बनाएंगे? हु इज़ योर पियानो टीचर, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? Who is your piano teacher? Right? Next, number three. There is a pair of shoes inside the box. Box में कुछ रखा है, क्या है वो, है ना, क्या है? तो हमने देखा था कि क्या है, ऐसा पूछने के लिए हम क्या पूछे, कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे? What? What is inside the box? What there is, तो what जो है वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर लिखेंगे is, a pair of shoes निकल जाएगा और फिर हम लिखेंगे what is inside the box, क्या क्या लिखेंगे?
यहाँ देर की जगह हम लिखेंगे वॉट इज इनसाइड द बॉक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अगर हम ऐसे पूछेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट से, कैसे? तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे व्हाट, फिर यहाँ पे लिखेंगे इज, व्हाट इज माय फेवरेट की जगह लिखेंगे योर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर 5, I wake up at 6 o'clock in the morning। अब समय के बारे में कुछ पूछना हो तो कौन सा क्वेश्चन मार्क लिखेंगे? when, when, when do you wake up in the morning, कैसे बनाएंगे? When do you wake up in the morning, right? Next, गांधी जयंती इज ऑन 2nd October, ये भी समय के बारे में है तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? When is गांधी जयंती, गांधी जयंती कब है, राइट। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द अम्यूजमेंट पार्क दिस संडे। आप कहाँ जाने वाले हैं, किसी प्लेस के बारे में है तो हम क्या पूछेंगे? वेर, वेर आर यू गोइंग ऑन संडे, कैसे पूछेंगे? Where are you going on Sunday, right? Next, that girl is my niece. किसी व्यक्ति के बारे में हम पूछना चाहे, ये आंसर दिया गया है that girl is my niece, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? किसी पर्सन के बारे में है तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड होगा? हु, हु इज दैट गर्ल क्वेश्चन मार्क, हु इज दैट गर्ल क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम, आपकी सिस्टर का नाम क्या है? सॉरी, आंसर कौन सा दिया गया है? माई सिस्टर्स नेम इज मिस्टी, किसी व्यक्ति के बारे में है तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? हु, नहीं, किसी व्यक्ति के नाम के बारे में पूछा गया है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हाट, क्या, नाम पूछा गया है, व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, उसके नाम के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यूज़ करेंगे व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम। नेक्स्ट, राजन्स फेवरेट पोएट इज जून टेलर। राजन की फेवरेट पोएम कौन सी है? जून टेलर। तो हम यहाँ पे राजन के फेवरेट पोएट के बारे में पूछा गया है तो फेवरेट पोएट जो कविताएं लिखते हैं उसे कहते हैं पोएट, तो वो कोई व्यक्ति होगा। तो किसी व्यक्ति के बारे में हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे? हु, हु इज़ राजन्स फेवरेट पोएट, राजन का फेवरेट पोएट कौन है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनके क्वेश्चंस आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है और बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।